हम लोग निकल रहे हैं रांची टू नेपाल। कोई घटना फिर हुई उसके बाद बाबा लकड़ी काटे जंगल गए हुए थे तो खजूर उससे नशा नहीं होता है ना इस का ग्लासेस हो गया तैयार अब इसे भी धूल मिट्टी से दिक्कत नहीं हो लगभग सारा चीज रेडी है ये मैं कभी लगा ही नहीं पाया और मतलब ये वाला जो फिंगर है ना बर्फ के कारण जला हुआ है और आज तक पता नहीं 1.5-2 साल हो गया फिर भी इसका जलन ना ऐसे ऐसे दबाऊंगा ना तो हल्का फील होता है कि जलता है ये तो इसलिए ये कम से कम मेरे हिसाब से 50% रिड्यूस कर देता होगा हवा को और ग्लव्स पहनने से भी काम नहीं करता था तो अभी फिलहाल ये काम करेगा सर्जिकल ग्लव्स पहन लेता हूँ और उसके बाद ऊपर से विंटर ग्लव्स और अब ये भी हो गया तो हैंड गार्ड नहीं लगा हुआ था लग गया है रैगनर वहाँ बैठा हुआ है सारा पैकिंग कर लिया हूँ और बस अब अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो रैगनर और हमारी बाइक हो गई है तैयार तो फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले हैं कहाँ नेपाल तो देख सकते हो ये सारा सामान है बहुत सारा सामान लिया हुआ इस बार आइए बैठिए अब ये हमेशा दिक्कत होता है बाइक में ये गंदा कर देता है फिर मैं कपड़ा रखता हूँ फिर मैं इसको ऐसे साफ करता हूँ जितने बार उतरेगा उतने बार मुझे साफ करना पड़ता है और ये इसे मैं रख दिया यहाँ दोस्तों इसका मैं ये वेल्डिंग क्लास वाला है इसमें मैंने खुद से ये डिज़ाइन किया है रैगनर के लिए स्पेशली तो मैं आपको दिखाता हूँ पहना करके इसको रैगनर का ग्लासेस हो गया तैयार अब इसे भी धूल मिट्टी से दिक्कत नहीं होगी तो चलते दोस्तों और मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ अभी 30,000 टोटल मीटर इसको मैं ट्रिप वन को करता हूँ ज़ीरो ट्रिप वन 0 किलोमीटर देखता हूँ इस बार पूरा आप लोग को एक्सप्लेनेशन दूंगा नेपाल जाने के लिए क्या क्या लग सकता है क्या खर्च है कहाँ मैं रुका पूरा A to Z इस बार एक्सप्लेनेशन में दूंगा तो प्लीज़ आप देखना पूरा ब्लॉग बढ़िया से और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बार हम लोग काफ़ी तैयारी में निकल रहे हैं मैं रैगनर बाइक पे नेपाल रांची टू नेपाल राइट दशरथ मांझी जाने का बहुत मन था तो नेपाल जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नेपाल पहुँचूँगा बीच बीच में मतलब जो टूरिस्ट स्पॉट होगा वहाँ पे भी जाऊँगा तो दशरथ मांझी बहुत ही एकदम समझो हिस्टोरिकल प्लेस है एक लेजेंड है जिसका नाम दशरथ मांझी के नाम पे वो रोड पड़ा है तो पहाड़ को काट करके उन्होंने सड़क बनाया था इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा आपने शायद कुछ इनके नाम पे मूवी भी बनी थी आप लोगों ने देखा होगा जो नहीं देखे हैं मैं आपको अभी आने वाला है कुछ देर में आपको मैं दिखाऊंगा टू व्हीलर ऐड करके रखता हूँ गूगल मैप में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ तो अभी ऐसा लग रहा है किसी जंगल से जा रहा हूँ तो अच्छा भी लगता है ऐसे एडवेंचरस हो जाता है बट ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव से होते हुए जाऊँगा जो भी बंदा पिट रहा था तो वो मेरे गाड़ी के आगे आगे चल रहा था और रैगनर के ऊपर एकदम पागलों जैसा हरकत कर रहा था मतलब मारना चाह रहा था रैगनर को और देखो क्विक कर्मा है आगे उसकी पिटाई चल रही थी ड्रिंक क्या हुआ था बिहार में घुस चुके हैं दोस्तों लेकिन फिर भी मोस्टली सब दिखते ही हैं ड्रिंक किए हुए शाम में
मैप शानदार जंगल से लेके आ गया और यहाँ मेरा गांव भी पड़ता है, इधर सलैया पड़ेगा, इधर यहाँ पहाड़पुर स्टेशन और ये हो गया मोरे। तो इसी रास्ता से, ये छोटा रास्ता से कटना है, फिर मेन एक अच्छा रास्ता आ जाएगा दशरथ मांझी जाने के लिए। तो यहाँ बुआ का घर है उधर, तो बुआ का जो बेटा है मेरा कज़न भाई, उसको बोले हैं किसी को बुलाओ क्योंकि वो अच्छा से गाइड कर देगा, वो एक बार गया है। रैगनार घूँ घूँ कर रहा है। तो ये रहा हीरो लोग, तो तुम्हारा ब्लॉग हम देखे हैं, शुभम दिखाया है, और तुम मांझी का ही तुम बनाया, नहीं बनाया। क्या सोच के बनाया, पहला ब्लॉग था तुम्हारा वो? नहीं, छोटा भाई का दोस्त लोग दोनों आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? भूल जाता। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार, पूरा आप गांव जिला मत बता दो। बता दिए पहले यहाँ तुम? चंदन कुमार। तो जा रहे हैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है ना, 40 किलोमीटर जंगल से घुसा घुसा करके 12 चट्टी तरफ से आए हम अभी, समझा? वहाँ से मैप से। और मैप देख रहे कि यहीं से लेके जा रहा है, तो सोचे कॉल कर देते हैं। मैप यहीं से दिखा रहा है? हाँ, इधर तुम्हारे, मतलब तुम्हारे घर तरफ से ही दिखा रहा है। तो क्या प्रोग्राम है, चलने का? चलोगे तुम लोग? पैसा का मैं सोचना, सहूलियत देखो, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है ना दिक्कत? नहीं, चलोगे क्या? हाँ चलते हैं। टोटल 40 किलोमीटर है ना, तो वहाँ पे कैंपिंग करोगे? वहाँ पे कैंपिंग करने का जगह है कुछ बताओ? कर सकते हैं माउंटेन के ऊपर ना, चाहे साइड में नीचे भी कर सकते हैं। तो कुछ जुगाड़ लगाया जाए कि वहाँ पे रुक भी जाए, हम लोग थोड़ा एंजॉय कर ले, आग वाग जलाए, बॉन फायर करें, सब चीज है मेरे पास। चलते हैं तो एंजॉय करते हैं फिर। इससे पूछो ना, इसका मुंह थोड़ा, इसका ये थोड़ा पता नहीं क्या सोच रहा है। क्या सोच रहा तुम? नहीं नहीं कुछ सोच नहीं रहा, चलेगा। क्या हुआ बताओ ना यार, कोई बात नहीं, चले। अरे पेट्रोल वेट्रोल के लिए हम है ना, चलो ना। अरे अभी बहुत टाइम मिलेगा। तो भाई लोग का प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस है, बता नहीं रहा था पूछने पे, सिस्टर को इनको छोड़ना है, तो अभी मैं अकेले ही जाऊंगा। और एक भागते हुए आ रहा है मेरा छोटा भाई, सो घर में पता चल गया, अभी बोलेगा क्या 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 क्या, चलिए चलिए घर। और मैं बोलूँगा नहीं 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 नहीं, अबे छोटा सा बच्चा है, ध्यान मत दे ज़्यादा रैगनार, छोटा सा तो बच्चा है यार। दे रैगनार कुछ करता नहीं है, बस सिर्फ ड्रामे करता है। तो आ गया। अरे ठीक रहो, खुश रहो ब्रो। अरे लग रहा है इसको पहचान लिया। फैमिली को पहचान लेता है नहीं, जबकि दो तीन बार ही मिला है ये। क्या होगा कि हम लोग को होटल तो लेना होगा, और शाम हो गया है और ये लोग भाई नहीं जा रहे, जाते तो वीडियो, क्योंकि मैंने इस बार प्रॉमिस किया कि वीडियो काफ़ी बेहतरीन बनाऊंगा नेपाल प्लेलिस्ट के लिए। तो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं जाता हूँ अब दादी घर, यहाँ बगल में गांव है, दादा दादी जी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, 80 के ऊपर एज हो गया उनका, 90 के ऊपर एज हो गया होगा, 90 हो गया होगा ना रे? हाँ, 90 हो गया, 90 साल हो गया है। लेकिन उनका एक एटीट्यूड है कि वो अपने घर में ही रहते हैं, गांव में, कितने बार शहर में बुलाने के बावजूद वो जाते नहीं हैं। तो सरप्राइजली अभी मैं जाऊँगा उनके पास, उनको नहीं पता है, क्योंकि ये लकली यहाँ से हम लोग के गाँव तरफ से ही पहुँचा दिया, तो 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में हमारा गाँव है और बगल में यहाँ बुआ घर है। तो दादा दादी जी के पास जाता हूँ, कुछ सेवा पानी कर देता हूँ उनके लिए, और रैगनार को देख के भी वहाँ पे खुशी हो जाएंगे सारे लोग। दोस्तों रैगनार के साथ भी इरिटेटिंग कब होता है पता है, जब कोई मिल करके मिलने के बाद अगर कोई बाइक से या कार से अगर मेरे गाड़ी के आगे निकल जाता है, तब वो कुकू कुकू करने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है, परेशान कर देता है मुझे। वो चाहता ही नहीं है कि मेरे गाड़ी के आगे कोई जाए। अगर हाँ कोई पीछे पीछे चल रहा है तो हाँ उसको सुकून मिलता है, वो पीछे से देखते रहता है कि हाँ वो भी ठीक से आ रहा है, तो ये कभी किसी को आगे आने ही नहीं देता। In 400 meters, turn right. Head northeast. Turn right.
ये रैगनर आ गया मेरा गांव। बच्चे बार बार जिद करके अपने गांव लेके आ गए। ये है मोरे, पहाड़पुर में पड़ता है और यहाँ मेरे रहते हैं फुआ। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में जाऊँगा दादा दादी के घर। आगे लगाइए भैया, आगे लगाइए। कमीना मेरी ये को थाली लेके आई है को लोटा पैर धोने के लिए। देखिए क्या बदतमीजी है ये। लीकर चाय बनो। हाँ दूध वाला नहीं बनाइया, छोड़िए ना। ठीक है बैठो बैठो। रेगनर तुम्हारे लिए भी कुछ प्रबंध होगा, बैठो। अभी बारी कहाँ है सबको। ये तो कढ़ी है, आई मिर्ची पकौड़ी है, आई चावल है, और ये मूंग का भुजा हुआ कुछ है। ये कौन क्या चीज का साग है, क्या चीज का है? चना का साग है। वाह। और ये बैगन चौप है। बैगन चौप। और ये चोखा है, आलू का और बैगन का चोखा है। और ये वो अच्छी गांजा है। गांजा? गांजा कहाँ चीज से बनता है? ओल और रसुन, लहसुन और मिर्ची। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, मजेदार खाना खाने। अरे तुम्हारे लिए क्या चाहिए रेगनार, तुमको तो दिए ना। एक इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है तुम? खेत तरफ। तो खेत तरफ जा रहा है ना, तो इधर से कहाँ रास्ता? अरे यार कितना वो दूर उड़ गया भाई वो मुर्गा। खजूर से नशा नहीं होता है ना? इस ये यहाँ पे लग रहा है। ऐसा जगह से आया ना, ये भी मिट्टी में घुसेगा, सब जगह पानी है, सब गीला है। क्या हाल बना लिया मुंह कान सब। ये अड़हर है ना, लहड़, रहड़, रहड़। अब ये है आलू। इसी को उठते हैं, कोड़ के देखे फिर ऐसे चढ़ा के फिर फटते हैं इसे। अच्छा अरे बर्बाद करता भी। यहाँ धान, चल उधर चल। ये मिर्ची, वो बैगन, ये वाला, ये टमाटर, ये फिर से आलू, ये मिर्ची, घुस जाना मत पानी में। अबे तुम लोग
ड्रामा। रैगनर फिर चलो किधर, तुम आगे बढ़ो ना रे, पहले वो खुद बढ़ेगा। तबाही मचा देता है भाई। रैगनर इधर आ, रैगनर इधर आओ, इधर आओ, लो दोस्तों। बिहार में जब भी एंट्री करता हूँ और गाड़ी कहीं लगाता हूँ तो बहुत काफ़ी क्राउड हो जाता है। यहाँ पे आया हूँ मैं राशन लेने के लिए और रैगनर करतब दिखा रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों राशन मैं लेने आया हूँ अपने दादा दादी के लिए। यहाँ से 6 किलोमीटर के दूर पर मेरा गाँव है। मैंने कहा था सुबह को मैं निकलूँगा, बस प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेकर के फिर निकलना है माउंटेन मांझी के द्वार में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे का वीडियो तुरंत आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अप टू डेट मिलता रहे। हम लोग निकल रहे हैं रांची टू नेपाल। कोई घटना फिर हुई उसके बाद बाबा लकड़ी काटे जंगल गए हुए थे तो दादी खाना लेके मैंने मटका पानी लेके जा रही थी तो अचानक उनका पर चलती है और पहाड़ से गिर जाती है। और ये खुद से बनाया है ना? नहीं, डर दिए के पास।